हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज श्रिया एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं. आई सजेस्ट यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप बाकी की वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बाकी के मैथड डिस्कस किए हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मैथड, सब्सटीट्यूशन मैथड, क्योंकि वो वीडियोज देखने के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छे से होगी और आपको चीज़ों को समझने भी आसानी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में ईजिली मिल जाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट सबसे. मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगी और स्टेटमेंट से किस तरह से इक्वेशंस बनानी है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले आप स्टेटमेंट सुनिए. क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय टू टिकट्स टू मलेश्वरम. मलेश्वरम के टू टिकट्स हैं एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुरम. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है ₹46. और वहीं अगर तीन टिकट्स और फाइव टिकट्स रिस्पेक्टिवली बाय की जाए तो टोटल कॉस्ट होती है 74. तो ये हमें इस तरह से स्टेटमेंट में गिवन है, पहले दो टिकट और तीन टिकट, उसके बाद फाइव और सेवन और उनका टोटल दिया हुआ है. तो हमें पहले इसकी एक इक्वेशन बनानी है. तो जो बैंगलोर टू मलेश्वरम है हम उसको एक्स डिनोट कर लेते हैं, लाइक बी टू एम मैं इस तरह से यूज करती हूँ. ठीक है, लेट बी टू एम आप एक्स ले लीजिए और जो दूसरा है और बी टू वाई को मैं वायलेट कर लेती हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास डिलोशंस आ गई. ठीक है, अब देखिए पहली सबसे लाइन में से लिखे कि हमें दो टिकट्स चाहिए और उसकी थ्री, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y और वो टोटल किसके थी ₹46. तो ये इसके इक्वल हो जाएगी 46 के. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में हमने कितने टिकट्स ली है, थ्री टिकट्स एंड फाइव, तो वो बन जाएगी 5x. ओके, सॉरी 3x, क्योंकि पहले उसके तीन टिकट्स है ना, 3x + 5y और इनका टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 74. तो इस तरह से 74 टोटल बन जाएगा. अब देखो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली हमारे पास कि फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम. हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी है फेयर्स. यहाँ पे आप देख लेना, लेट फेयर्स फ्रॉम बी टू एम और बी टू वाई. ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. अब हमने बहुत सारे मेथड किए थे लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्जाम में ये आ जाए कि फाइंड आउट द दिस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उस टाइप हम क्रॉस प्रोडक्ट, अदरवाइज अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आई प्रेफर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वो ज्यादा बेटर होता है और वो इजी भी होता है एज कंपेरिजन टू क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार इसमें कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो सकती है. राइट, तो चलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं. अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो जो आपका कॉन्स्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए. मतलब ये जो 46 है ना, वो इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो वो बन जाएगा -46. अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बताती हूँ. ये हो जाएगा -74 इस तरह से. ठीक है, अब लॉजिक ये है कि जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना तो हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, तो उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें इसको इस तरह से ना डिनोट करना पड़ेगा 1, 2 और 3 से. ठीक है, क्योंकि वहां पर एक पैटर्न यूज हो रहा होगा 23, 12, 2, 3 और 1, 2. ये पैटर्न जो है ये फॉलो हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 का मतलब जो ये y वाले कोफिशिएंट्स, 3 का मतलब ये कांस्टेंट और 1 का मतलब x के कोफिशिएंट्स और फिर से 2 अगेन. तो आपको पहले ये लिख देने हैं, तो क्या अगर मैं बात करूँ तो y के कोफिशिएंट्स यानी 3 और 5, तो 2, 3 ये हमारे नंबर है, ये हमने रफ में ही इसको रखना है, ये एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है ये मेथड. जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो x का कोफिशिएंट बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट y का कोफिशिएंट बनेगा और इन दोनों को हम 1 के साथ लगेंगे. ठीक है, अब ये कैसे लगाना वो मैं बताती हूँ. अगर मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ y के कोफिशिएंट आएंगे यानी 3 और 5, 3 की बात करूँ तो ये कॉन्स्टेंट आएंगे यानी -46 और साथ में -74. अब ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना प्लस माइनस का झंझटा रेट, अगर माइनस है साथ में तो माइनस लगेगा ही लगेगा. राइट, उसके बाद 1 है यानी x के कोफिशिएंट, यानी आ गए 2 और 3, ये दोनों आ गए. उसके बाद है 2 फिर से, यानी ये वाली लाइन फिर से रिपीट हो जाएगी 3 और 5 इस तरह से. अब देखिए नेक्स्ट
जब हमने नेक्स्ट जो करना है ना स्टेप, उससे पहले एक चीज कर लेना जिसका मेन मोटिव जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने का, इस तरह से आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, यानी कि जो 70 माइनस 74 है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 546 से होगा, ये इससे और ये इससे और ये इससे। अब ये करना इजी है, पर यहाँ पर हो क्या जाता है, ज्यादातर मिस्टेक आ जाती है कैलकुलेशन पे, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट करना है तो दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट भी करना है। माइनस की वजह से आपको पता है साइंस का जो भी, अगर साइन माइनस आए तो कुछ ना चेंजेस आते हैं, और उसमें उन चेंजेस में जो है मिस्टेक होने का चांस भी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से करनी है। चलिए देखें, सबसे पहले अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो x डिवाइड्स पहले माइनस 74 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 के साथ, जहां जहां एरो जा रहा है वहां वहां, बीच में हम एक लगाएंगे माइनस का साइन। उसके बाद 5 जो है वो होगा 46 से मल्टीप्लाई, यानी माइनस 46 से। तो ये एक टर्म है और ये टर्म भी माइनस का साइन बीच में। अब डालेंगे इक्वल्स टू, अब आगे y की टर्म, ठीक है, y की टर्म में 3 पहले माइनस 46 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और माइनस माइनस 74 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 1 कॉफिशियंट, जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, 5 और 3, 5 और 2, 3 एंड 3, इस तरह से कुछ, 1 डिवाइड्स 5 इंटू 2, राइट। माइनस का साइन, ये वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का ये मत भूलना, 5 इंटू 2 और साथ में 3 इंटू 3। तो ये मैंने सारी वो लिख ली है जो मुझे जरूरत है, ठीक है। अब हम इनको जरा सॉल्व करते हैं, पर ये ध्यान रखना माइनस है तो साइन चेंज होगा। तो ये बन जाएगा एक्स डिवाइड माइनस 74 इंटू 3 है ना, तो आगे आंसर भी माइनस में ही रहेगा, माइनस 222। इधर से 5 इंटू 46 करते हैं तो आ जाएगा 230। साइन कौन सा आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इधर आ जाओ वाई की टर्म में, वाई की टर्म है तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस के साइन में रहेगा, ठीक है, माइनस 138। अब माइनस इधर भी है और इधर भी है, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 148, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म है वो तो इजी है, उसमें साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके साथ भी माइनस का साइन है ही नहीं यहाँ पे, तो वो फिर माइनस, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x डिवाइड्स यहाँ पर देखिए माइनस कर जाएंगे तो 8 बजेगा, यहाँ पर y, अब यहाँ पर 10 बजेगा, साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि जो बड़ी टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है। इधर आपके पास मल्टीप्लाई करें इसको, सॉरी 5 टूज आर 10 और 3 इंटू 3 आर 9, तो 10 माइनस 9 ये बनेगा 1/1, ये इस तरह से आपके पास टर्म बच जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको पहले इसके साथ इक्वेट करना है और फिर वाई को इसके साथ इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब हम इसको पहले x को इक्वेट करके देखते हैं, x by 8 is equals to 1 by 1, यहां से x की है जो वैल्यू वो आ जाएगी 8, फिर इन दोनों को इक्वेट करें यानी y by 10 equals to 1 by 1, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, यानी x आ गया 8 और y आ गया 10, बेसिकली हमने जो निकाला था वो आ गया। तो अब लिख देना fares from fares of bus from Bangalore तो एम बी टू एम के लिए आ गए रुपीज 8 और बी टू वाई, वो नाम थोड़ा मुश्किल है, मैंने कोड वर्ड बी टू वाई इस तरह से रखी है, तो वो आ जाएगी रुपीज 10, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 8 और 10। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली यहाँ पर बस ध्यान रखना है यहाँ पर ना हो मेन गलती, अदरवाइज जो इसका मेथड है सॉल्व करने का बहुत ईजी है। दिक्कत कब आती है, जब हम कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, जैसे मैंने कहा था माइनस साइन की वजह से बहुत मिस्टेक्स होती है, सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करनी, बिकॉज अगर यहाँ गड़बड़ हो गई फिर आंसर भी गलत आएगा, है ना। और आंसर वेरिफिकेशन मैंने आपको हमेशा समझाया किस तरह से करना, जो इक्वेशंस होती हैं गिवन उसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया मतलब सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन, फिर आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का और बोला गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये पी जो है इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन बताई गई है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की बताई गई है, फाइनाइट सभी सॉल्यूशंस की बात की गई है।
तो अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको बता देती हूँ, जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो उसका कंडीशन होता है कि ए वन बाय ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू, और ये ए वन बाय ए टू और की जो रेशियो है वो इस रेशियो से इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम पहले ए वन ए टू की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो ए वन बी वन यहाँ से मिल जाएंगे, ए टू बी टू यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। तो ए वन हमारे पास हो गया 4 और ए टू हमारे पास हो गया 2, बी वन हमारे पास हो जाएगा b और बी टू हमारे पास हो जाएगा 2, और ये चारों वैल्यूज मैं उठा के इस कंडीशन में पुट करूं तो ए वन की जगह बनेगा 4/2 इज नॉट इक्वल टू बी बाय टू, यहाँ से कटिंग हो गई, यहाँ बना 2, तो ये बन गया 2 इज नॉट इक्वल टू पी बाई टू। अब ये 2 जो है उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स पी इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये आ गया। पर क्वेश्चन में तो पूछा था ना पी की वैल्यू, वैल्यू ये लिखनी है, बतानी है, पर लिखना किस तरह है, आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे दैट इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन एट एनी वैल्यू ऑफ पी रादर देन 4, मतलब 4 के अलावा हर वैल्यू पर जो ये इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है, दैट्स द थिंग। बस आपको वो लाइन लिखनी है लास्ट में और बस आंसर सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। जैसे पिछला यूनिक सॉल्यूशन के लिए था, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, और इसकी कंडीशन होती है ए वन बाय पी वन शुड बी इक्वल टू सॉरी ए वन बाय ए टू शुड बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड शुड बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ये होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। हम पहले पुट करते हैं, ए ये है हमारे पास, बी ए है और सी ए है। पहले मैं बता देती हूँ, ये जो है ए वन है, ये जो है ए बी वन है सॉरी, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास सी वन है, ठीक है। इधर आ जाइए, ए वैल्यू 12, ए टू है, ये 20, ये आ जाएगी बी टू, ये आ जाएगी सी टू। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, ए वन की वैल्यू आ जाती है ऐसे के, यानी के बाय 12 इज इक्वल्स टू ए वन बाय टू आ गया, बी वन बाय बी टू के लिए 3 कॉफिशियंट देखना है आपको, 3 बाय बी टू के लिए कॉफिशियंट क्या है, के, ये आ गया इज इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू के कोएफिशिएंट, अब माइनस 7 रहेगा, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ के माइनस 3 डिवाइड्स माइनस के, ठीक है, और यहाँ से माइनस और माइनस की कटिंग हो जाएगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये आपके पास लेफ्ट आउट रह गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ना, इन दोनों को इक्वेट कर लेना, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेना, तो इससे हमारे पास के की वैल्यूज आ जाएगी, राइट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को करते हैं, इन दोनों को के बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय के, इन दोनों को जब इक्वेट करें ना, के को उधर ले जाते हैं, तो यहां से के स्क्वायर अगर 36 है तो के आ जाएगा प्लस माइनस 6, के की यहाँ से तो हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज, के की प्लस माइनस 6, और इसी तरह से अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू के माइनस 3, ये बनेगा 12 के माइनस 36, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास k स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये देखो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, सम आपके पास माइनस 12 का है और प्रोडक्ट 36 का, सम जो है वो माइनस 12 प्रोडक्ट 36, तो जो दो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इसको वो माइनस 6 होंगे और माइनस 6, मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है, दोनों को ऐड करूं तो माइनस 12 आता है, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, यहाँ से सॉरी के की टर्म्स में लिखना ना क्योंकि के बात चल रही है, तो यहाँ से देखो के कॉमन आ रहा है,
तो ये बन जाएगा k माइनस सिक्स, यहाँ से माइनस ऑफ सिक्स कॉमन ले लू मैं, अगर मैं यहाँ से माइनस सिक्स कॉमन ले लू अंदर बचेगा k माइनस सिक्स, यही बचेगा क्योंकि 36 है और प्लस का मैंने तो माइनस सिक्स कॉमन लिया था तो वो माइनस का 6 बन जाएगा। तो मेरे पास जो कॉमन ब्रैकेट बन रही है वो बन रही है इस तरह से k माइनस सिक्स, एक ये बन रही है दूसरी भी k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से, या तो के अब या तो k को जीरो के इक्वल कर सकते हैं, सिक्स को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं सिक्स इसको उस साइड ले जा रही हूँ तो k की वैल्यू मेरे पास सिक्स बच रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू सिक्स, तो इस तरह से ये भी सम आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे तो यहाँ पर भी सॉल्व किया, इधर सॉल्व किया, इस तरह से प्लस माइनस सिक्स में आया, इसमें जीरो और सिक्स में आया, तो ये कंडीशन थी। और इसी कंडीशन से मैंने इसके के की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर दी कि इन वैल्यूज पर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे।